दोस्तों वेलकम टू आईटी सपोर्ट हिंदी और मैं आपका दोस्त जतिंदर। दोस्तों ये फेसबुक मार्केटिंग कोर्स का दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज के बारे में। पहली वीडियो में मैंने प्रोफाइल के बारे में बात की थी, अब दूसरी वीडियो है, दूसरी वीडियो में हम पेज के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस की स्टार्टिंग आप पेज से कर सकते हैं। फेसबुक मार्केटिंग करनी हो तो आपको पेज बनाना आना चाहिए। पेज में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में पूरी कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ तीसरी वीडियो में हम बात करेंगे पेज के अंदर कुछ इंटरनल सेटिंग के बारे में, वो हम तीसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज हम पेज के बारे में अच्छे तरीके से जान लेंगे और कुछ मेन चीज़ें होंगी जो पेज के बारे में हम जो तीसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड मैं आपसे दोबारा एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये 10 वीडियो का एक ट्यूटोरियल है जो बिल्कुल ही फ्री है, कोई भी चार्जेस आपने नहीं देना। क्योंकि आप काफ़ी जगह देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग पैसे मांगते हैं ट्यूटोरियल देने के लिए, वो ट्यूटोरियल देखने के बाद ही आपको समझ आती हैं सारी चीज़ें। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है, क्वेश्चन है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ें, प्लीज़ आप अपनी इंक्वायरी को जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। अगर आपकी इंक्वायरी मुझे जेन्युइन लगी और ऐसा लगा कि हाँ इसके ऊपर एक वीडियो बननी चाहिए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमेशा आपसे बात करता हूँ कि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड ये हमारा आईटी सपोर्ट का ये हमारा वो प्रोफाइल पेज है जो हमने कल बनाया था। अब हम पेज बनाएंगे, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी पेज की ऑप्शन नहीं आ रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि पेज की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आती है, तो यहाँ पे आपने जाना है। तो अब यहाँ देखेंगे कि पेज की ऑप्शन आ रही है, तो पेज के ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके लाइक किए हुए पेज यहाँ पे आ जाएंगे, जो जो से पेज आपने लाइक किए हैं। अगर आप पेज क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे आपके सामने एक ऑप्शन आ गई है, यहाँ पे आप क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ, बिजनेस और ब्रांड। बिजनेस और ब्रांड का मतलब होता है कोई भी बिजनेस और कोई भी ब्रांड। ब्रांड और बिजनेस आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर कम्युनिटी या पब्लिक रिलेशनशिप के ऊपर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पे बना सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार, बिजनेस और ब्रांड। अगर आपका कोई शॉपिंग, आप शॉपिंग के लिए मतलब कि कोई आप शॉपिंग सेंटर है आपका, या फिर आपका मोबाइल की दुकान है, या फिर आपका कोई बिजनेस है, बिजनेस मतलब कि कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में आप कोई कैटेगरी लेते। अगर आप हेल्थ के अंदर है, हेल्थ के अंदर आप डॉक्टर हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे आके अपना बना सकते हैं। अब कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशनशिप वो होता है कि जैसे कि कोई सिंगर हो, या फिर कोई आप चाहते हो कि पब्लिक रिलेशनशिप के ऊपर आप कोई चीज़ बना रहे हो, आप कुत्तों को बचाने के लिए, या कुछ भी ऐसी कोई कम्युनिटी सेंटर के रिकॉर्डिंग कुछ बना रहे हो, तो वो चीज़ आप यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो आज हम यहाँ पे पब्लिक रिलेशनशिप के ऊपर बनाएंगे। ये दोनों ही सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पहले ही मैं क्लियर कर देता हूँ, दोनों ही चीज़ बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम एक पेज बनाएंगे, पेज का नाम रखता हूँ मैं इंडियन। अब इसकी कैटेगरी हम रखेंगे आप पीपल रख लीजिए, या फिर आप रख लीजिए आर्ट्स रख लीजिए, या फिर आप कुछ भी रख सकते हैं, न्यूज़ एंड कुछ भी, जो भी आपको ठीक लगे। अगर हमने इंडियन रखा है, पेज का नाम वी आर इंडियन कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं वी आर इंडियन। तो यहाँ पे हम कैटेगरी रख देते हैं हम इसकी कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए जो कि सबके लिए एक समान हो। हमें कुछ ऐसी कैटेगरी को देखना पड़ेगा जिसमें लोग एक साथ आएं और एक साथ रहें। हमें किसी ऐसी कैटेगरी के अंदर नहीं डालना पेज को जिस कैटेगरी के अंदर हमें बाद में कोई प्रॉब्लम हो। ये नहीं है कि हम कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, हम कैटेगरी बाद में भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके ऊपर कैटेगरी दे रहा हूँ आर्ट्स के ऊपर, मैंने लिखा है यहाँ पे आर्ट्स के ऊपर, तो कुछ ऐसा नहीं है, तो आर्ट्स के ऊपर हम यहाँ पे आर्ट्स कर देते हैं अभी राइट नाउ। तो मैं बाद में कैटेगरी इसकी चेंज करके आपको बताऊंगा कि कहाँ से कैटेगरी चेंज होती है। देखिए वी आर इंडियन के नाम से मेरा पेज बन गया है, आर्ट्स हमने कैटेगरी रखी है और मैंने यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब हमारा ये पूछ रहा है कि आपने प्रोफाइल पेज अपलोड करनी है, मैंने कहा नहीं, मैं स्किप करूँगा इसे। अब इसने पूछा है कि आप कवर पेज अपलोड करेंगे, मैं कहूँगा नहीं, हम इसे भी स्किप करेंगे अभी राइट नाउ यहाँ से। तो स्किप करते 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 और ये हमारा एक पेज तैयार हो गया। तो फ्रेंड ये है हमारा पेज, आप इसी तरह कोई भी बिजनेस, किसी भी तरह का पेज यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड हमारा ये पेज बन गया है। अब प्रोफाइल और पेज में क्या फ़र्क होता है, प्रोफाइल में ये होता है कि वो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होती है जिसमें आप
पोस्टे डालते हैं, लोग आपके साथ चैट कर सकते हैं, पर पेज में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, लोग आपको मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बटन की ऑप्शन आ रही होगी, आप देख रहे हैं। अब ऐड बटन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट पे जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे मैसेज करे तो इसके मैसेज बॉक्स पे आ जाए। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया, मैसेज को सेलेक्ट किया एंड देन बी आर फिनिश। तो यहाँ पे एक मैसेज बटन बन गया है, जब भी कोई क्लिक करेगा वो सीधा मैसेज करेगा इस पेज के ऊपर, वो मैसेज आएगा मुझे। अब मैं पेज को लाइक कर देता हूँ अपने। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आगे। तो अब प्रोफाइल फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से अपलोड कीजिए। बड़ी आसान तरीका है, आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, जैसे हमने प्रोफाइल में फ़ोटो अपलोड की थी, इसी तरह आप पेज की आप कवर फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से यहाँ से आप अपलोड कीजिए, इसे बड़ा ही आसानी सा काम है। अब बात करते हैं थोड़ा सा नीचे और सी नाउ के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अब चलते हैं अबाउट मी में। इसकी अबाउट मी और उसमें अबाउट मी में क्या फ़र्क है वो मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। देखिए फ्रेंड, जब आपने पेज स्टार्ट किया वहाँ लिख सकते हैं पेज का नेम यहाँ आ रहा है, कैटेगरी आप यहाँ पर एडिट करके चेंज कर सकते हैं, यूज़र नेम आप बना सकते हैं, यहाँ पर आप यूज़र नेम बना लीजिए, बड़ा आसानी से आपका यूज़र नेम भी बन जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं और नीचे, तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं, अगर आपका बिजनेस है तो आप अपनी वेबसाइट ऐड कीजिए, अपनी ईमेल आईडी ऐड कीजिए, अबाउट मी लिखिए अपने बारे में कि आपकी अबाउट मी, आपके बिजनेस क्या है उसके बारे में लिखिए, आगे सर्विस है तो सर्विस क्या है उसके बारे में लिखिए, अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं तो आप अपने बारे में यहाँ पर पूरी अबाउट मी लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रही है जो पेज और प्रोफाइल के अंदर फ़र्क लाती है, वो है स्टोरी, अवर ऑफ स्टोरी। अवर ऑफ स्टोरी के ऊपर आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एक फ़ोटो लगा सकते हैं, जो भी आप फ़ोटो ऊपर लगाना चाहते हैं यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी आर इंडियन, ठीक है फ्रेंड। अब वी आर इंडियन मैंने लिख दिया, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा ऊपर, नीचे आपकी सारी सर्विस आ जाएगी। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं तो वैसे ही करिए जैसे कि बाकी सब कर रहे हैं, कि आप अपना अपना नाम लिखिए या कंपनी का नाम लिखिए, नीचे अपनी सर्विस वगैरह सब लिखिए, यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कोई भी फ़ोटो यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकते हैं लोगों के सामने कि वो आपकी ये चीज़ों को देखें, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इसे काट लेता हूँ यहाँ से। अब आप समझ गए होंगे पूरी की पूरी बात मेरी। अब बात करते हैं, थोड़ी आगे चलते हैं और आगे हम चलते हैं थोड़ा और, मैं होम पेज पे जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज पे जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा बैक कर लेता हूँ अभी राइट हूँ। देखिए फ्रेंड, हम बैक हो रहे हैं और साथ ही साथ अब प्रोफाइल में और पेज में फ़र्क तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब आगे बताते हैं इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें आप लाइव वीडियो दे सकते हैं, आप इवेंट डाल सकते हैं। लाइव वीडियो देने का मतलब है, अगर आप सिंगर है, आर्टिस्ट है, डॉक्टर है, तो आप बताना चाहते हैं कोई बात लोगों को तो लाइव दीजिए। अगर आप इवेंट देना चाहते हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो इवेंट बना सकते हैं कि हम चेकअप कर रहे हैं, हमारी शॉप में ये करके डिस्काउंट चल रहा है, आप आइए। ऑफ़र में भी सेम यही चीज़ें होंगी, पर ऑफ़र में आप वो चीज़ें बता सकते हैं लोगों को कि हमारा ऑफ़र ये चल रहा है। अगर आप जॉब के लिए देना चाहते हैं कि जॉब हमारे यहाँ जॉब खाली है, आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड, ये सारी चीज़ें आप बड़ी आसानी से लोगों को यहाँ पे ला सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और लोगों के सामने अपनी सारी बातों को क्लियर और अच्छे तरीके से रख सकते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम अगली वीडियो तीसरे भाग में मैं आपको और इसकी इंटरनल सेटिंग के बारे में बताऊँगा, जो दूसरा और तीसरा पार्ट एक मर्ज पार्ट होगा, क्योंकि मैं चाहता था कि पेज के बारे में मैं दो वीडियो ऐसी बनाऊँ जो कि लोगों को अच्छी तरह समझ आए। अगर अभी तक जो मैंने आपको बताया, अभी तक आपके माइंड में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे आके कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमारा फेसबुक पेज आईटी स्पोर्ट का फेसबुक पेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो वीडियो देख रहे हैं या वो फेसबुक पे देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो प्लीज़ पेज को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।